हाय गाइस, वेलकम टू आईसीएसटी ट्यूटोरियल्स। हम लोग पढ़ रहे हैं न्यू सिलेबस का, क्लास 12 का सॉलिड स्टेट। ठीक है, और सॉलिड स्टेट में हम लोगों का कम्प्लीटली डिफेक्ट हो चुका था, जहाँ पे हम लोगों ने स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट एंड द इंपुरिटी डिफेक्ट, ये दोनों कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मेनली नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, और नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट मतलब क्या, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट मतलब क्या, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट जिसको समझ में आया होगा उसको नॉन स्टोइकोमेट्रिक इजिली समझ में आ जाता है। ठीक है, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में हम लोग क्या करते थे, जो कटायंस और अनायंस का जो रेशियो है या फिर एटम्स का जो रेशियो है वो क्या रहता था, सेम रहता था। ठीक है, वहाँ पे चेंजेस नहीं रहते थे। लेकिन इन द नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट यहाँ पे क्या रहता है, रेशियो जो रहता है वो क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। ठीक है, मतलब कटायंस और अनायंस का लिया जाए तो कटायंस और अनायंस के रेशियो में क्या रहता है, डिफरेंट चेंजेस रहते हैं। ठीक है, तो चेंजेस या फिर डिफरेंसेस रहने के कारण यहाँ पे क्या ऑकर्ड होता है, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। कौन सा डिफेक्ट, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, और नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट ये मेनली अदर काइंड ऑफ द एलिमेंट के साथ ही ऑकर होता है। ठीक है, मतलब जैसे कि एक अगर कोई भी अगर क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या करेगा, नॉन स्टोइकोमेट्रिक कम्प्लीटली चेंज करता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग देखोगे तो नॉन स्टोइकोमेट्रिक में होता क्या है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द कटायंस टू द एनायन बिकम्स डिफरेंट फ्रॉम द इंडिकेटेड बाय द केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, वहाँ पे जो केमिकल फॉर्मूला आप लोगों को इंडिकेट किया जाएगा उसके थ्रू कटायंस और अनायंस का जो रेशियो है वो क्या होगा, वहाँ पे डिफरेंट होगा। ठीक है, और कटायंस और अनायंस का रेशियो डिफरेंट होने के कारण जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, जो क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर ऑकर्ड होगा उसमें क्या होते जाएंगे, चेंजेस ऑकर्ड होते जाएंगे। ठीक है, मतलब ऑब्वियस है वो फिक्स रहेगा क्या नहीं, वहाँ पे क्या होते जाएंगे, चेंजेस ऑकर्ड होते जाएंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट चेंज इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होते जाएंगे, कंप्लीटली चेंजेस होते जाएंगे। जैसे कि देखो, अगर रेशियो वहाँ पे ऑकर्ड हो रहा है 1:2, 1:3 कटायंस और अनायंस का, ठीक है, ये रेशियो ऑकर्ड हो रहा है तो ऑब्वियसली अगर रेशियो डिफरेंट ऑकर्ड हो रहा है तो वहाँ पे डेंसिटी भी चेंज होते जाएंगे, मास भी चेंज होते जाएंगे, वॉल्यूम क्या होगा एज इट इज कॉन्सर्न रहेगा, लेकिन बाकी सारे चेंजेस ऑकर्ड होते जाएंगे जिसके कारण क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी क्या होते जाएगा, चेंज होते जाएंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना कि यहाँ पे क्रिस्टल स्ट्रक्चर नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट होने के कारण क्या होते जाएगा, चेंजेस होते जाएंगे। ठीक है, देन उसके बाद नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट को क्लासिफाई किया गया है दो इस पर। सबसे पहला है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, ठीक है, और उसके बाद का है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ठीक है, तो आप लोगों को नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट समझना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर रेशो क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। जैसे स्टोइकोमेट्रिक में केमिकल फॉर्मूला के हिसाब से रेशो क्या रहता था, सेम रहता था। ठीक है, तो यहाँ पे वैसी बात है क्या, यहाँ पे कटायंस और अनायंस का जो रेशियो है वो क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। ठीक है, और वो रेशियो डिफरेंट आने के कारण यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऐसे ऑकर्ड होंगे कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर में क्या आते जाएंगे, चेंजेस आते जाएंगे। ठीक है, और क्रिस्टल स्ट्रक्चर में अगर चेंजेस आ रहे हैं तो ऑब्वियस है डेंसिटी भी क्या होंगी उस डिफेक्ट की या फिर उस क्रिस्टल की, चेंजेस होती जाएंगी। ठीक है, और अब हम लोग आगे देखते हैं उसका जो क्लासिफिकेशन किया गया है नॉन स्टोइकोमेट्रिक का, जो कि मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट और मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। तो गाइस, हम लोग देख रहे थे क्लासिफिकेशन किसका, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट का। उसमें सबसे पहला डिफेक्ट क्लासिफाई किया गया जो कि मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। ठीक है, और मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट में क्या होता है, तो मैं उसको एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो हम लोगों ने कंसीडर किया एक NiO का क्रिस्टल। ठीक है, NiO का, ठीक है, जहाँ पे Ni2 पॉजिटिव एंड O2 निगेटिव है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्रिस्टल, तो ये है क्रिस्टल किसका, Ni एंड द O2 का। तो यहाँ पे रहेगा Ni2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, Ni2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, Ni2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे O2 नेगेटिव लेंगे और यहाँ पे आएगा Ni2 पॉजिटिव, 2 नेगेटिव, Ni2 पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे आएगा Ni2
पॉजिटिव ओ टू टू निगेटिव एन आई टू पॉजिटिव प्लस ओ टू टू निगेटिव ठीक है। ये तो हो गया एन आई ओ का सिंपल क्रिस्टल, इसका एन आई ओ का क्रिस्टल ठीक है। अब यहाँ पे अगर इंप्यूरिटी क्रिएट होंगी तो क्या होगा ठीक है, अगर यहाँ पे इंप्यूरिटी क्रिएट हो गई तो कंसिडर करो कि जैसे कि यहाँ पे क्या है, ये कटायन है ठीक है, ये क्या हो जाएगा यहाँ से मिसप्लेस हो जाएगा, इसने क्या की यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट की ठीक है। मेटल डिफिशियंसी में क्या किया, इस मेटल ने मेटल यहाँ से क्या हो गया डिस्प्लेस हो गया ठीक है, और यहाँ पे क्या किया उसने वैकेंसी क्रिएट की ठीक है। अब यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट होने के बाद अगर कटायंस और अनायंस का रेशो देखा जाए तो वहाँ पे डिफरेंसेस आ गए ठीक है। अगर अब यहाँ पे डिफरेंसेस आने के कारण हम लोग उसको क्या बोलते हैं, द मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा मेटल मिसप्लेस हो गया, मतलब मेटल ने क्या किया वैकेंसी का फॉर्मेशन किया ठीक है, और मेटल ने वैकेंसी का फॉर्मेशन फॉर्म करने के बाद यहाँ पे क्या होगा मेटल डिफिशियंसी होगी ठीक है, मेटल की क्या होगी डिफिशियंसी, और इसलिए उसको क्या बोला जाता है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। कौन सा डिफेक्ट, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। और इस मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट की डेफिनेशन क्या है, दिस डिफेक्ट इज पॉसिबल ओनली इन द कंपाउंड ऑफ द मेटल, ये सिर्फ और सिर्फ ऑकर किसमें हो सकता है मेटल के कंपाउंड में ठीक है, और दैट शो द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। और वो क्या करेगा वेरिएबल, जैसे कि यहाँ पे क्या है Ni का निकल क्या शो कर रहा है प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन क्या शो कर रहा है माइनस टू ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो होंगे ठीक है। और यहाँ पे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो होने के कारण आप लोग देखोगे कटायंस और अनायंस में क्या है डिफरेंसेस है, और वो डिफरेंसेस ओवरकम करने के लिए मतलब यहाँ पे देखोगे तो कटायंस क्या है ज्यादा, कटायंस क्या है कम है और अनायंस क्या है ज्यादा है ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि मेटल्स में क्या चाहिए हम लोग को, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए, मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के लिए इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए इक्वल चाहिए कटायंस और अनायंस, वैसे तो नॉन स्टोइकोमेट्रिक में डिफरेंस ऑलवेज रहता है, तो वो ओवरकम करने के लिए यहाँ पे कुछ ऐसे कटायंस यूज किए जाएंगे जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा जो लॉस हुआ हुआ कटायन है, मतलब यहाँ पे पहले कौन सा कटायन था, पहला कटायन कौन सा था यहाँ पे एन आई टू पॉजिटिव ठीक है, और वो डिफिशियंसी को ओवरकम करने के लिए यहाँ पे किसका यूज किया गया एन आई थ्री पॉजिटिव, किसका यूज किया एन आई थ्री पॉजिटिव का ठीक है। मतलब क्या किया हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले उसको ओवरकम करने के लिए, मतलब कटायंस और अनायंस को बैलेंस करने के लिए, उस निगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए उन लोगों ने किसका यूज किया, तो बड़े वाले हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मेटल का ठीक है, जिसके थ्रू यहाँ पे क्या हो ओवरकम हो जाए वो कटायंस और अनायंस में का बैलेंस हो जाए ठीक है। इसीलिए तो इसी डिफेक्ट को क्या बोला जाता है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट ठीक है। फिर से एक बार देखते हैं मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट क्या है, नाम से पता चलता है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट मतलब क्या ठीक है। अब मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट अगर बोला जाए तो मेटल की डिफिशियंसी होंगी, क्लियर हो जाता है ठीक है। और मेटल की डिफिशियंसी अगर कोई भी आयोनिक सॉलिड में मेटल की डिफिशियंसी क्रिएट होगी ठीक है, मेनली ये कौन सा कंपाउंड है मेटल ही कंपाउंड मेटल है ठीक है, तो अगर मेटल की डिफिशियंसी क्रिएट होगी तो पॉजिटिव कटायंस एंड अनायंस इन दोनों में क्या होगा मेटल कौन सा चार्ज कंटेंट करा पॉजिटिव चार्ज, मतलब वो क्या है कटायंस है। अगर कटायन है तो कटायन अगर वहां से लॉस हो गया तो अनायन की क्वांटिटी क्या होगी बढ़ गई, अगर अनायन की क्वांटिटी बढ़ गई तो यहाँ पे कटायन और अनायन का रेशो सेम है क्या, नहीं है, वहां पे क्या आते जा रहे डिफरेंसेस आते जा रहे, तो कटायंस एंड अनायंस के इसमें डिफरेंसेस आने के कारण वहां पे क्या होगा वो डिसबैलेंस होगा ठीक है। तो अब ये तो लॉस होने के बाद यहाँ पे क्या होगी वैकेंसी ऑफर्ड होगी ठीक है। अब उसको ओवरकम करने के लिए मतलब कटायंस और अनायंस के रेशो को इक्वल करने के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा उससे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट रहने वाला मेटल यहाँ पे क्या किया जाएगा पुट किया जाएगा, जिसके थ्रू जो निगेटिव चार्ज अनायन का जो निगेटिव चार्ज बढ़ा है वो क्या हो जाए मेंटेन हो जाए ओवरकम हो जाए, और इसके थ्रू यहाँ पे क्या किया जाएगा अगर दो पॉजिटिव कटायंस लॉस हो गए यहाँ से ठीक है, दो पॉजिटिव कटायंस क्या हो गए अगर लॉस हो गए तो वहाँ पे क्या किए जाएंगे एक सिंपल हायर ऑक्सीडेशन रहने वाला कटायन क्या किया जाएगा प्लेस किया जाएगा, अगर वहाँ से दो कोई भी कटायन लॉस हो गए ठीक है, तो उसको ओवरकम करने के लिए मतलब क्या कि उसके ऊपर कटायंस और अनायंस का रेशो सेम करने के लिए वहां पे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला दूसरा कटायन पुट किया जाएगा ठीक है, जिसके थ्रू यहाँ पे क्या होगा वो मेंटेन हो जाएगा कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव कटायंस और अनायंस मेंटेन हो जाएंगे ठीक है। तो ये क्या था मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे मेटल एक्सिस डिफेक्ट, तो गाइस अभी हम लोग देखने वाले हैं नॉन स्टोइकोमेट्रिक का सेकंड क्लासिफिकेशन जो कि मेटल एक्सिस डिफेक्ट ठीक है। अब सबसे पहले मेटल एक्सिस डिफेक्ट को दो टाइप्स में क्लासिफाई किया गया, पहला है न्यूट्रल एटम और एन एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन ऑक्यूपाई द इंडस्ट्रियल पोजीशन, मतलब आइकन पोजीशन जहाँ पे एम्प्टी स्पेस रहेगी कोई भी क्रिस्टल में वहाँ पे जाके वो पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे वो वाला फर्स्ट, और सेकंड है अनायन वैकेंसी ठीक है।
और अलायंस वैकेंसी में क्या होता है, वहां पे अलायंस जाके क्या करेंगे, वैकेंसी ऑक्यूपाई करेंगे वहां पे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अ न्यूट्रल एटम और एन एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन ऑक्यूपाई द इंडस्ट्रियल पोजीशन। ठीक है, अब यहाँ पे दो कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन देखेंगे, पहली कंडीशन या फिर इन द फर्स्ट केस। ठीक है, फर्स्ट केस में क्या होगा, ठीक है, हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया ZnO क्रिस्टल का। ठीक है, अब ZnO लिया, Zn का क्रिस्टल बनाएंगे, Zn2 पॉजिटिव, यहाँ पे रहेगा Zn2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, Zn2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, ZnO, ZnO, सेम वही। अब इस वजह से एक वाला क्रिस्टल फॉर्म हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा फर्स्ट केस पे, कि यहाँ पे जो ZnO का कंप्लीट क्रिस्टल है, यहाँ पे एक्सेस ऑफ क्या रहेंगे, मेटल प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, अब वो न्यूट्रल एटम कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव, एक एक्स्ट्रा का क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सेस ऑफ मेटल आ जाएगा। ठीक है, अब एक्सेस ऑफ मेटल आने के कारण यहाँ पे क्या होंगे, कुछ इम्प्योरिटी, कुछ डिफिशियंसी क्या हो जाएंगे, क्रिएट हो जाएंगे, और उसी डिफेक्ट को क्या बोला जाता है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, जो कि क्लासीफाई किया गया दो इसमें, पहला न्यूट्रल एटम और एन द एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन ऑक्यूपाई द इंडस्ट्रियल पोजीशन। ठीक है, एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन ने क्या कर दिया, यहाँ पे इंडस्ट्रियल पोजीशन में अपनी स्पेस ऑक्यूपाई कर ली, और जिसके कारण क्या हुआ, इंप्योरिटी क्रिएट हुई। इंप्योरिटी क्रिएट हुआ मतलब क्या हुआ, डिफेक्ट क्रिएट हुआ, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। कौन सा डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। यहाँ पे क्या होगा, एक्स्ट्रा का एक्सेस फॉर्म में क्या हो जाएगा, मेटल आके अटैच हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे, तो इंडस्ट्रियल स्पेस में। इंडस्ट्रियल स्पेस मतलब क्या, एम्प्टी, ठीक है, वॉइड्स जिसको हम लोग बोलते हैं, वहाँ पे आके क्या हो जाएगा, वो अटैच हो जाएगा, और उसी को हम लोग बोलेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ये तो हुई फर्स्ट केस। अब देखते हैं सेकंड केस में क्या होगा, अगर सेकंड केस में यही लिया, ठीक है, सेकंड केस में क्या लिया हम लोगों ने, ZnO का ही एग्जांपल लिया, और इस ZnO में आप लोग अगर देखोगे तो यहाँ पे Zn तो रहेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या रहेंगे, एक्स्ट्रा के इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। क्या रहेंगे, प्रेजेंट एक्स्ट्रा के इलेक्ट्रॉन। जैसे कि अगर यहाँ पे हम लोगों ने लिया ZnO gives, क्या देंगे यहाँ पे, Zn2 पॉजिटिव, ठीक है, Zn2 पॉजिटिव प्लस 1/2 O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखोगे एक्सेस ऑफ मतलब एक्स्ट्रा की जो पोजीशन है, इंडस्ट्रियल जो पोजीशन है, वहाँ पे कौन आ गया, एक्स्ट्रा का एक पॉजिटिव आयन भी आ गया, और उसके साथ साथ क्या आ गया, यहाँ पे सेकंड केस में दो इलेक्ट्रॉन्स भी आ गए। ठीक है, और हम लोगों ने क्या किया, अगर इस Zn2 को हिट दी, ठीक है, इस Zn2 की रिएक्शन करना स्टार्ट किया, उसको हिट दी, हिट देने के बाद वहाँ पे क्या बना, Zn2 पॉजिटिव प्लस 1/2 O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पे क्या बना, एक्स्ट्रा का एक एक्सेस ऑफ द एलिमेंट बाहर निकल गया। ठीक है, किसके थ्रू, तो हिट देने के बाद, तो ऑब्वियस है यहाँ पे डिफिशियंसी को हम क्रिएट कर रहा है मेटल, जो कि क्या है, एक्सेस फॉर्म में प्रेजेंट है, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ठीक है, हम लोग इसी को क्या बोलते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ठीक है, जहाँ पे क्या होगा, अगर आप लोग सेकंड केस में Zn2 को हिट दोगे, तो हिट देने के बाद Zn2 पॉजिटिव प्लस 1/2 O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में से क्या होगा, Zn2 पॉजिटिव इवॉल्व है, मतलब बाहर निकल रहा है, तो ऑब्वियस है यहाँ पे क्या है, एक एक्स्ट्रा का मेटल क्या है, प्रेजेंट है, और दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, तो जिसके कारण आप लोगों को क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे क्या है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ऑकर हो रहा है। किसके थ्रू ऑकर हो रहा है, तो वहाँ पे आयनिक्स ऑलरेडी फेलनी चाहिए, उसके अलावा तो कोई और किसी के मेटल के थ्रू हो नहीं सकता। ठीक है, तो वही मेटल वहाँ पे क्या करेंगे, एक्सेस ऑफ द मेटल डिफेक्ट क्रिएट करेगा। तो गाइस नेक्स्ट है बाय द अनायन वैकेंसी। ठीक है, हम लोग देख रहे थे मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ठीक है, उसको क्लासिफाई किया दो इसमें, एक था न्यूट्रल एटम एंड द एक्स्ट्रा पॉजिटिव एंड ऑक्यूपाई द इंडस्ट्रियल पोजीशन, और सेकंड है बाय द अनायन वैकेंसी। ठीक है, और अनायन वैकेंसी को ब्रैकेट में दिया कलर और द एफ सेंटर। अब हमेशा ध्यान में रखना है, जो अनायन वैकेंसी होती है, बाय द अनायन वैकेंसी आप लोग कलर प्रॉपर्टी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, ये क्या करता है, कलर प्रॉपर्टी शो करता है, जैसे कि क्या, दिस टाइप ऑफ द डिफेक्ट इंपैक्ट द कलर टू द कलरलेस क्रिस्टल। कोई भी अगर कलरलेस क्रिस्टल हो, तो उसको क्या करेंगे, वो कलर प्रॉपर्टी में शो करने का काम करेंगे। अब उसकी प्रोसेस क्या है वो देखते हैं। जैसे कि क्या लिया उसने, सबसे पहले NaCl का क्रिस्टल लिया। ठीक है, अब उस NaCl के क्रिस्टल को क्या दी, हिट दी।
प्रेशर में, सोडियम वेपर के प्रेजेंस में, सोडियम वेपर्स के प्रेजेंस में क्या दिया, हिट दिया। हिट देने के बाद क्या हुआ, Na जो है, Na पॉजिटिव जो आयंस है वो क्या हुए, डिपॉजिटेड हुए क्रिस्टल में, इसमें डिपॉजिटेड हुए क्रिस्टल में। एंड Cl आयंस जो है वो डिफ्यूज हो गए क्रिस्टल में, वो क्या हुए, डिफ्यूज हो गए क्रिस्टल में, डिफ्यूज ऑन द, डिफ्यूज इन द क्रिस्टल, ठीक है, वो क्या हो गए, डिफ्यूज हो गए क्रिस्टल में, ठीक है। तो वहां पे क्या हुआ, सबसे पहले तो NaCl क्रिस्टल लिया उन्होंने, ठीक है, अब वो क्या कर रहे हैं, जो NaCl जो कलरलेस है उसको क्या बना रहे हैं, कलर कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है। तो ये जो डिफेक्ट है वो इसीलिए काम में आता है, वो क्या करता है, कोई भी कलरलेस क्रिस्टल है उसको क्या बनाता है, कलर कंपाउंड में कन्वर्ट करता है। तो NaCl क्रिस्टल लिया, उसको हीटेड दिया और सोडियम वेपर के प्रेजेंस में उसको हीट दी, वहां पे क्या हुआ, Na पॉजिटिव आयंस डिपॉजिटेड हुए क्रिस्टल के ऊपर, Na पॉजिटिव किसके ऊपर डिपॉजिट हुए, क्रिस्टल के ऊपर, ठीक है, और Cl नेगेटिव आयन डिफ्यूज हुए, ठीक है। अब इस प्रोसेस के थ्रू क्या हुआ, अब Cl डिफ्यूज होने के बाद, ठीक है, डिफ्यूज मतलब वहां से कम्प्लीटली रिमूव हो गया, तो रिमूव होने के कारण बाद में क्या हुआ, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव इन दोनों ने कंबाइन होने के बाद यहाँ पे Na एंड द Cl गिव्स वन इलेक्ट्रॉन, सो एक्स्ट्रा का जो वन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो गया, क्रिएट हो गया, ठीक है। अब वो एक्स्ट्रा का वन इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जैसे कि यहाँ पे जो डिफ्यूज हुआ था, पहले क्या होता है, Na पॉजिटिव आयंस डिपॉजिटेड हुए क्रिस्टल में, ठीक है, और Cl आयंस क्या हो गए, डिफ्यूज हो गए। तो डिपॉजिट और डिफ्यूज ये दोनों ने क्या किया, कॉम्बिनेशन किया, ठीक है, जो Cl डिफ्यूज हुआ था और Na डिपॉजिट हुआ था, उन दोनों ने कॉम्बिनेशन करने के बाद यहाँ पे बना NaCl प्लस वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब NaCl प्लस वन इलेक्ट्रॉन जहाँ पे बना, तो वहां पे क्रिएट कैसा हुआ, कलर प्रॉपर्टी कैसी फॉर्म हुई, तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव क्रिस्टल था, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है। अब यहाँ से Cl क्या हुआ, डिफ्यूज हो चुका था पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है। अब उस Cl के जगह पे क्या आ गया, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा का, ठीक है। अब उस क्रिस्टल में क्या हो गया, एक्स्ट्रा का एक इलेक्ट्रॉन आ गया, वो एक्स्ट्रा का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या करेगा, कलर प्रॉपर्टी शो करने के लिए हेल्प करेगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली NaCl कैसे था, NaCl कलरलेस फॉर्म में था, कोई भी कलर प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा था, लेकिन ये प्रोसेस होने के बाद NaCl ने कौन सी कलर प्रॉपर्टी शो की, तो वहां पे वो येलोइश कलर में येलो कलर की प्रॉपर्टी क्या कर रहा था, शो कर रहा था, वो येलो कलर शो कर रहा था, ठीक है। तो प्रोसेस क्या है, सिंपल, ये जो बाय द अनायन वैकेंसी क्या करता है, अनायन की वैकेंसी मतलब क्या, यहाँ से Cl क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, जिसके थ्रू वहाँ पे वैकेंसी क्रिएट होंगी, और उस वैकेंसी में ये रिएक्शन कैरिड आउट होने के बाद वहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैरिड आउट होगा, और वो इलेक्ट्रॉन वहाँ पे क्या करेगा, कलर टू कलरलेस की, कलरलेस टू कलर की प्रॉपर्टी क्या करेगा, फॉर्म करेगा कोई भी क्रिस्टल में, भले वो कौन सा भी क्रिस्टल हो, ठीक है। वहाँ पे क्या करेगा, वो डिफेक्ट के थ्रू कलर प्रॉपर्टी शो करने का काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ तक ही क्लियर हो गया, फिर से एक बार देखते हैं, हम लोग देख रहे थे नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट मतलब वहाँ पे रेशो इक्वल रहता है क्या, नहीं, कटायंस और अनायंस का रेशो में क्या रहता है, डिफरेंट चेंजेस रहते हैं, डिफरेंसेस रहते हैं, जिसके कारण वहाँ पे नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट ऑकर होता है, ठीक है। देन उसके बाद नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, जो कि फर्स्ट है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ठीक है, और सेकंड कौन सा है, सॉरी, पहला था मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट और सेकंड है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट में क्या होता था, मेटल के एक्सेस पे प्रेजेंट होने के कारण वहाँ पे डिफिशियंसी क्रिएट होती थी, जिसको मेटल के प्रेजेंट रहने के कारण या फिर वैकेंसी क्रिएट करने के कारण वहाँ पे डिफिशियंसी क्रिएट होती थी, हम लोग उसको क्या बोलते थे, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, ठीक है, ऑब्सेंस होने के कारण। और मेटल एक्सेस डिफिशियंसी में क्या होता था, एक्स्ट्रा का मेटल प्रेजेंट होने के कारण क्रिस्टल में वहाँ पर डिफिशियंसी क्रिएट होती थी। और मेटल एक्सेस डिफेक्ट को क्लासिफाई किया गया दो स्पेसिस में, पहला है न्यूट्रल एटम, ठीक है, उसको ही क्या बोला जाता है, एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन ऑक्यूपाय द इंडस्ट्रियल पोजिशन, ठीक है, और सेकेंड क्या, बाय द अनायन वैकेंसी, ठीक है। और बाय द अनायन वैकेंसी में क्या होता है, तो सबसे पहले ये मेन इसका इंपॉर्टेंस क्या है, कि वो जो कलरलेस कंपाउंड है उसको कलर प्रॉपर्टी शो करने के लिए मजबूर करता है, ठीक है, कलरलेस हो तो वो कलर प्रॉपर्टी क्या करेगा, शो करेगा कोई भी कंपाउंड रहे। तो यहाँ पे क्या किया उन्होंने, वो बताने के लिए सबसे पहले क्या लिया, NaCl क्रिस्टल लिया, ठीक है, NaCl क्रिस्टल को हीट दी, हीट किसके प्रेजेंस में दी, सोडियम वेपर्स के, तो क्या हो गया वहाँ पे, Na आयंस क्या हो गया, वहाँ से डिपॉजिट हो गया, और Cl क्या हो गया, डिफ्यूज हो गया। देन दोनों सेपरेट आउट होने के कारण दोनों ने क्या किया, Na पॉजिटिव एंड Cl निगेटिव में, Cl निगेटिव के बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, और यहाँ पे क्या बना, NaCl प्लस वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। वो वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जहाँ पे अनायन यहाँ से क्या हो गया था, लॉस हो चुका था, Cl लॉस हो चुका था, वहां पे आके क्या बन गया, वो इलेक्ट्रॉन फॉर्म हो गया, इसी को क्या बोला जाता है, एब्सेंट,
क्या बोलते हैं हम लोग इसको, एप सेंटर। ये बहुत बार पूछा जाता है एप सेंटर के बारे में, ठीक है, अच्छे से ध्यान में रखना कि एप सेंटर किसको बोलते हैं, जहाँ पे एक रिएक्शन ऑकर्ड होने के बाद, सीएल के वैकेंसी क्रिएट होने के बाद, वहां पे दूसरा एक इलेक्ट्रॉन आके अटैच हो, जो कि क्या, तो NaCl के रिएक्शन में जो फॉर्म हुआ है वो इलेक्ट्रॉन वहां पे आके अटैच हो जाएगा। वहां पे आके अटैच होने के बाद उसी को क्या बोला जाता है, एफ सेंटर या फिर एफ कलर, ठीक है, कलर प्रॉपर्टी। और वही वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अनपेयर्ड होने के कारण कलर प्रॉपर्टी शो करने के लिए हेल्प करता है। और उसी के बाद जो NaCl कलरलेस रहता है वो कौन सा कलर शो करता है हम लोगों को, येलोइश कलर, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हम लोगों का डिफेक्ट खत्म हो जाता है। हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड स्टेट, ठीक है, उस पर इंसुलेटर, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, बाकी ये सारी चीजें पढ़ेंगे। और देन हम लोग के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये दो ही कंसेप्ट बाकी रहते हैं।